सरकार तो सपा की आएगी, 1200 की डीएपी 1600 में बिकवाई। कन्नौज में 198 सदर विधानसभा कन्नौज में जैसे ही भाजपा सपा बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए, वैसे ही वोटरों में अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर माहौल बनता दिखाई देने लगा। ऐसे में किसकी जलेगी लंका और किसका बजेगा डंका, ऐसे ही चुनावी माहौल का जायजा लेने 198 विधानसभा कन्नौज के ग्राम पंचायत रैगावा में पहुंची हमारी R9 भारत की टीम और क्या कहा लोगों ने, आइए जानते हैं लोगों की जुबानी। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी जलेगी लंका और किसका बजेगा डंका, इसी चीज का मतलब जमीनी रूप से एनालिसिस करने के लिए मैं 198 विधानसभा कन्नौज के ग्राम पंचायत रैगामा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण जो हैं उनको क्या उनके अंदर है इस वर्तमान सरकार को लेकर और कैसे वो अपना मत का प्रयोग करेंगे, चलिए पूछते हैं उन्हीं की जवानी। भाई साहब आपका नाम? राजेंद्र सिंह। ये बतलाइए इस सरकार से आप खुश हैं? इस सरकार में इतनी फायदा भाई कि प्रसाद जब महंगो आलू हो तो सरकार ने 12 साल आलू मंगवाई दो, इस साल जब माटी मोल आलू हो तो सरकार ने देखो ना कि किसान मरी की जी है। मतलब कहने तात्पर्य यह है कि किसान की तरफ देख नहीं रहे, बल्कि इस सरकार का तो ये कहना है कि मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा, क्या ये बिल्कुल हवा हवाई है? हवाई बिल्कुल है, किसान का आय अगर दुगनी करीबे हो 1200 की डीएपी 1600 में बिचवाई और का सरकार ने नहीं बिचवाई, डीएम दौड़ा करवाओ आज जसोदा रोड पर दौड़ा करवाई रहे उधर तब इधर बिची रही, कल इधर दौड़ा कराई रहे तब उधर बिची रही, तो ये कर्मचारी कमीशन बंद हो तो मतलब कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार की नींव हिला देंगे, जड़ें हिला देंगे, बावजूद इसके भ्रष्टाचार पूरी तरह व्याप्त है। यूरिया 265 रुपया गति, यूरिया 350 और 450 की बिक्री का सरकार नहीं मालूम होती, सरकार के सब मालूम होते हैं, किसान ने कहा कर रहे किसान बिल्कुल दूध पैदा मौत आ जाए। तो क्या इस समय चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनाव माहौल इस साल जनता सोच रही है सपा सरकार बनाई बेगल जो मतलब बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। बाबा जी के काम से आप प्रसन्न नहीं है? प्रसन्न है, बाबा जी जो है कहते कुछ है करते कुछ है। पूंजीपति इनकी सरकार है, किसान की सरकार थोड़ो है, गरीबन की सरकार ना यही हो जा। यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, चलिए मैं उनसे भी पूछता हूँ। भाई साहब आपका नाम? अरे हम उन्हें बुझे साइकिल। अरे 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 बोलिए बोलिए, हाँ नाम बताइए। हमारा नाम बिपिन शुक्ला। शुक्ला जी ये बतलाइए क्या माहौल चल रहा है इस समय चुनाव का? माहौल तो सही है, क्या सरकार बीजेपी की बनेगी? अब काश्तकार तो जो है किसान कह रहा है मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, तो फिर कैसे सरकार बनेगी? आपको आपको जानकारी होना चाहिए कि 70% सरकार बीजेपी की बनेगी। अब काश्तकार तो जो है किसान कह रहा है मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हूँ, तो फिर कैसे सरकार बनेगी? आपको आपको जानकारी होना चाहिए कि 70% कोटा पर राशन फ्री, दाना फ्री, खेतन में 2 बीघा गेहूं नहीं कर रहे, सब फ्री खा ही रहे, फिर भी सरकार चूतिया बना है, सरकार कौन खराब है? नहीं, कुछ लोगों की ये भी जो है एक कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह है कि ये आदत जो है फ्री डाल करके जो है फिर जो है ऐसा नहीं है, ये कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से ही दे रहे हैं। आप भी काश्तकार हैं? हाँ जी। एक और समस्या है, लोग कहते हैं कि सांड जो है कई दिन में तो जो है ना दिन में चैन और रात में सांड रखाने पड़ते हैं, तो सांड का सपा सरकार में हुई तब सांड ना ही है, तब हम सांड है, तब कब सांड कम भाई? आप देख सकते हैं दादा कहना है कि सपा सरकार में भी सांडों के, यहाँ पे और भी एक आध लोग खड़े चले, वो पूछते हैं दादा आपका नाम? मेहदी हसन। तो मेहदी हसन जी किसका माहौल टाइट है? हमारे यहाँ तो सपा का टाइट है। सपा टाइट है, साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। अच्छा, कोई साइकिल आप कह रहे हैं चलेंगी, साइकिल की जो सरकार थी उसमें कुछ लोग कहते हैं गुंडाई बढ़ जाती थी, क्या ये बात विकास की है जी? सभी गुंडे थोड़ी होते हैं, मतलब विकास के साथ साथ गुंडाई भी चलेगी? अगले दिन तो काम किया है, विकास किया क्षेत्र, क्या क्षेत्र विकास किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, रोड बनवाए,
कौन कौन से रोड बनवाए बताएंगे आप? हाईवे बनवाया, गांव गांव जो खराब रोड थे उनको अच्छा बनवाया। अच्छा, एक योगी जी जब सरकार में आए थे उन्होंने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त जो है सड़कें कर दूंगा, क्या उस पर कोई कार्य नहीं हुआ? कौन सा कार्य हुआ, तमाम गड्ढा में चलो आप दिखा में चले, सैकड़े रोड इधर पड़े हैं जी, मैं निकलना सकत आप। मतलब बाबा जी की बातें ना देखो, बाबा जी की बातें हवा हवाई, बाबा जी की बाबा हवा हवाई हैं। देख सकते हैं आप कि बाबा जी की बातें, यहाँ पे और भी एक सज्जन खड़े हुए हैं। दादा आप अपना नाम बताइए। राधे श्याम अवस्थी। अवस्थी जी, क्या माहौल है आपका? प्रश्न प्रश्न बोले आप। आपका यहाँ पर जो है चुनावी क्या माहौल चल रहा है, किसका डंका बज रहा है? डंका देखो, जहाँ जिसका वोटर है वहाँ पर वो अपनी गाता है, जहाँ पर बीजेपी का अधिक वोटर है वो बीजेपी की कहता है, जहाँ पर सपा का वोटर अधिक है वो सपा की कहता है। अब रह गई बात विकास की। जी जी जी। जो पार्टी विकास कराएगी वो आगे आएगी। एक बात, आपकी दृष्टि में विकास कौन करवा सकता है अच्छा, या कौन करवा रहा है अच्छा, या किसने अच्छा? वो आगे आएगी। एक बात, आपकी दृष्टि में विकास कौन करवा सकता है अच्छा, या कौन करवा रहा है अच्छा, या किसने अच्छा करवाया? जैसे कि इस समय मोदी और योगी के राज्य में राष्ट्रवादी नीत है, राष्ट्रवादी नीत पर हम लोग जो है जाएंगे, क्योंकि ये देश की बात है। आज हमारा देश जो है राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, ऐसे में हम लोगों को राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना चाहिए और हम तो उसी तरफ बढ़ेंगे। मतलब तो आप जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है उसके कार्य से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। रह गई बात सांड और गायों की, इस पर आपने अभी क्वेश्चन किया, इसका आंसर आपको देते हैं कि बात ये है कि हम सभी फार्मर लोग, जितने भी फार्मर हैं इंडिया के अंतर्गत, ये सब गायों को पालते हैं, उसका दूध खाते हैं। अब जब से ये कानों ये सरकार आई, गायों को कई ऐसा है कि कानों पर आरोप लगाया, प्रत्यारोप लगाया, तो ऐसे में गायों को छेड़ देते, दूध खा लिया और छेड़ दिया। और छेड़ा किसने? हम ही ने तो छेड़ा। मतलब इसमें जो जानवरों की बात, अन्ना पशुओं की बात आ रही है तो उसमें तो गलती हम ही लोगों की है। मतलब किसान एक तरफ छोड़ते हैं, एक तरफ फिर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि जो है प्रत्यारोप तो बहुत लगाते हैं, परंतु जब हम ही गायों को छोड़ते हैं तब वो गाय बांधी कहाँ जाएं? तमाम गौशालाएं खुले हैं। अब इसमें से लोग उसमें कमीशनबाजी भी कर लेते हैं, पैसा खा लेते हैं, तो वो उसमें योगी की क्या लाग? लाग तो सब हमारी है। तो बाबा जी की सरकार आ रही है क्या? हाँ, बाबा जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, यहाँ पर कुछ युवा भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए मैं उनसे भी इस चुनावी चर्चा का आगे बढ़ाता हूँ। भैया आपका नाम? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, क्या हाल है यहाँ पर चुनाव का? नहीं, वो तो साइकिल आएगी फिर। साइकिल आएगी फिर? कुछ लोग कहते हैं कि साइकिल में जो है गुंडेगर्दी बढ़ जाती है, क्या ये हवा हवाई? ये तो हवा हवाई है बिल्कुल, इसमें नहीं है गुंडेगर्दी, इसमें भी है। अभी अभी एक दिन जो है योगी आदित्यनाथ जी की जो है सभा में उन्होंने मंच से ये कहा था कि इससे पूर्व की सरकार में गांव गांव गली गली तमंचे बनते थे, अब जब से हमारी सरकार आई है तो मैंने जो है तोप बनवाना शुरू किया। कुछ ये इसके बारे में कुछ बता सकते हो? अब ये तमंचे बनवाने वाली क्या बात? वो भी अभी तो बन रहे हैं। ये नहीं, ये तमंचा को लेकर के कटाक्ष किस पे किया गया? वो सब करते हैं सब, ऐसी कोई सरकार नहीं जिसमें बनते नहीं है, बनेंगे वो फिर बनेंगे। तो अखिलेश जी आ रहे हैं? हाँ आएंगे अखिलेश। मतलब 2022 में 22 किल का नारा बिल्कुल चलेगा? चलेगा बिल्कुल, रुकेगा नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर अन्य युवा भी हैं, चलिए मैं उनसे भी जो है पूछता हूँ कैसा माहौल है चुनाव का। भैया आपका नाम? अंकित। अंकित भाई बताइए किसका यहाँ पे जो है डंका बजने वाला है? भाई बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों साइकिल क्यों नहीं चलेगी? बीजेपी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। अखिलेश जी नहीं करते? अखिलेश जी ने तो कन्नौज जनपद में विकास की गंगा बहा दी थी, आपके यहाँ जो है एक हाईवे दिया, और ये आपका जो है जिला अस्पताल भी उन्हीं की देन है, वो तो छोड़िए। दूसरी चीज़ ये कितना बड़ा जो है एशिया में दूसरे नंबर का जो है मेडिकल कॉलेज दिया, तो अखिलेश जी को क्यों आप लोग नकार रहे हैं? अखिलेश जी ने खाली कन्नौजी ही चमकाया है, बाकी जितने भी हैं कुछ किया है। मतलब आप कहने का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो उन्होंने कन्नौज चमकाया, बाद बाकी 74 जिलों में कुछ विकास नहीं किया? कुछ नहीं किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो है कन्नौज के अलावा अन्य कहीं विकास नहीं किया? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कन्नौजी और दो तीन मतलब जिला हैं उसी को देखा है उन्होंने, बाकी अन्य जनता को किसी को देखा नहीं।
यहाँ पर देखिए युवाओं की भी अपनी एक मत है। इनका कहना है कि अखिलेश जी ने जो है केवल कन्नौज या अन्य गिने चुने जिलों का ही जो है विकास किया है। अन्य तो आप देख सकते हैं कि इस गांव में हर तरह से दोनों तरफ जो है मौसम चुनावी माहौल बिल्कुल टाइट है। चलिए देखते हैं आने वाले चुनाव में किसकी जो है। हाँ, यहाँ पर अन्य भी एक और हैं, युवा हैं। चलिए हम आपसे पूछते हैं, भैया किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो सपा की आएगी, बीजेपी में क्यों सरकार में? हाँ, सरकार सपा क्यों? बीजेपी सरकार में एक पर्चा नहीं सुरक्षित है, सुपर टेट परीक्षा, एक पर्चा नहीं सुरक्षित है तो यहाँ व्यक्ति क्या सुरक्षित रहेगा? आप स्टूडेंट हैं जी, तो आप कहने का मतलब जो है भ्रष्टाचार जो है स्टूडेंटों के साथ भी हो रहा है जी। बिहार वाला देख लीजिए आप, इलाहाबाद में देख लीजिए, हॉस्टल में घुस घुस के बच्चे मारे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर बाबा जी की सरकार में जो है ये स्टूडेंटों को भी मतलब गुंडे ही मान लिया गया, गुंडे आतंकवादी बोला जाता है, बच्चों को गुंडे ही बोला जाता है, जेल में उठा के डाल देंगे। अपने हक के लिए तो स्टूडेंट लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र, हाँ जी जी बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सरकारी कंपनियां सब एयर इंडिया कंपनी परसों बेच दी, सब प्राइवेट कर देंगे, इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी तो आए नहीं। उसका भी एक कंपनियां टोटल बेच डाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 23 कंपनियां खरीदी थी, तेनी बेची थी, इन्होंने 23 कंपनियां बेच दी, खरीदी तो एक भी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने 66 कंपनियां खरीदी थी, एक भी नहीं बेची। युवा हैं, चलिए हम आपसे पूछते हैं, भैया किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो सपा की आएगी, बीजेपी में क्यों सरकार में? हाँ, सरकार सपा क्यों? बीजेपी सरकार में एक पर्चा नहीं सुरक्षित है, सुपर टेट परीक्षा, एक पर्चा नहीं सुरक्षित है तो यहाँ व्यक्ति क्या सुरक्षित रहेगा? आप स्टूडेंट हैं जी, तो आप कहने का मतलब जो है भ्रष्टाचार जो है स्टूडेंटों के साथ भी हो रहा है जी। बिहार वाला देख लीजिए आप, इलाहाबाद में देख लीजिए, हॉस्टल में घुस घुस के बच्चे मारे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर बाबा जी की सरकार में जो है ये स्टूडेंटों को भी मतलब गुंडे ही मान लिया गया, गुंडे आतंकवादी बोला जाता है, बच्चों को गुंडे ही बोला जाता है, जेल में उठा के डाल देंगे। अपने हक के लिए तो स्टूडेंट लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र, हाँ जी जी बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सरकारी कंपनियां सब एयर इंडिया कंपनी परसों बेच दी, सब प्राइवेट कर देंगे, इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, घटेगी तो आए नहीं। उसका भी एक कंपनियां टोटल बेच डाली, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 23 कंपनियां खरीदी थी, तेनी बेची थी, इन्होंने 23 कंपनियां बेच दी, खरीदी तो एक भी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने 66 कंपनियां खरीदी थी, एक भी नहीं बेची थी। भाई एक प्रधानमंत्री सफलता थी जो सबसे ज़्यादा कंपनियां खरीदी थी, 66 कंपनियां, जबकि ये तो जो है सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने देश को जो है बहुत पीछे कर दिया और जो है हमारी सरकार आई है तो मैं देश को विकास की ओर ले जा रहा हूँ। आपको कहीं उनका कहीं विकास नहीं दिख रहा? कहीं नहीं विकास, क्या विकास, आप कुछ नहीं विकास है। ये वो SI की भर्ती निकली, उसमें भी पूर्ण रूप से कुछ हो नहीं रहा, धांधली चल रही है, टेट की परीक्षा लीक हो रही है, CTET की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, कोई परीक्षा पूर्ण बहुमत से हो नहीं पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि मैं जो परीक्षाएं करवाता हूं उसमें पहले जो माफिया हावी थे और सरकारों की मिली भगत के चलते भ्रष्टाचार होता, तो हमारी सरकार में अगर कहीं पर भी कोई गलती होती है तो उसको तुरंत सामने ला कर के हम लोग उसका जो है निस्तारण करके जो है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करवाते हैं। उनका ये कहना है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो इलाहाबाद में 6 पुलिस वाले सस्पेंड तो किए गए, वो बाल हो जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, आराम से आ जाएंगे दोबारा फिर। वो तो दिखावा है कि वो कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ये कर देते वो कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। अखिलेश आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, 3 सीटें छोड़ दी हैं, एक बसपा की है वो रावण के लिए और 2 और बीजेपी जीतेगा, बस कुछ आप, नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं में सरकार के प्रति कितना रोष है, केवल 3 सीटों में ही समेटने की बात कह रहे हैं। कन्नौज जनपद के रहगामा गांव से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज से अमित मिश्रा की खास रिपोर्ट R9 भारत के लिए।